रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सब्ज़ी की रेसिपी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है आप सबसे पहले नोट कर लें। हमने टिंडे लिए हैं, इसमें आधा किलो लौकी, आधा किलो तुरई, और मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे वो आप नोट कर लें। 1.5 टेबल स्पून नमक है इसमें, और ज़ीरा 1 टी स्पून है, और रेड चिल्ली है, इसकी पेस्ट बना हुआ है ये है 1.5 टेबल स्पून, और 1 लार्ज प्याज है स्लाइस में कटी हुई, और 1/2 कप ऑयल है। अब चलते हैं हम इसे तैयार करते हैं। ये देखें हम तेल डाल रहे हैं इसमें 1/2 कप। इसके बाद ज़रा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पहले ज़ीरा डालेंगे, इसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज डाल रहे हैं, ये भी फ्राई होगी, अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लें। जब ये हाफ डन हो जाए तो फिर हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। और ये देखें हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं और फिर मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको लिड करके रख देंगे, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगता, सब्ज़ी अपना पानी खुद ही रिड्यूस करेगी। अब देखें हम इसमें मिर्चें डाल रहे हैं और नमक डालेंगे, फिर इसको लीड रख के ढक के रख देंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है। ये देखिए नमक भी डाल देते हैं हम इसमें, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी खुद ही छोड़ेगी। अब इसको हम लीड लगा के रख देते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी सब्ज़ी ने पानी कितना रिलीज़ करा है, जब ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा पानी 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, फिर हम इसे सर्व करेंगे। देखें फ्रेंड्स, हमारी लौकी टिंडे तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। और इसमें जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो इसमें लेमन जूस, 1/2 टी स्पून लेमन जूस इसमें आप ऐड कर दें ताकि अच्छा टेस्ट आए। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखें फ्रेंड्स, फाइनल लुक, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैंने इसे सर्व करा है मसालेदार बेसन की रोटी के साथ। आप लोग भी इसी के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मसालेदार बेसन की रोटी की रेसिपी मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।